हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। गाइस, जैसा कि आप मोबाइल के स्क्रीन पर इंस्टाग्राम रील्स वायरल स्टेटस वीडियो देख रहे हैं, दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको कुछ इस तरह की सारी स्टेटस वीडियो बनाकर सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता हुआ कि इंस्टाग्राम रील्स पर अभी इस तरह की सारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रही है। दोस्तों, आपको इस तरह की सारी वीडियो बनाने के लिए आपको अलर्ट मोशन ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आपको अलर्ट मोशन ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके अलर्ट मोशन ऐप को डाउनलोड करना है। अगर दोस्तों आपको अलर्ट मोशन प्रो ऐप चाहिए है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके अलर्ट मोशन प्रो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अलर्ट मोशन ऐप को ओपन करना है। अलर्ट मोशन ऐप ओपन करते ही गाइस, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको यहाँ से 960 की साइज को सिलेक्ट करना है। ब्लैक बैकग्राउंड को इसमें सिलेक्ट कर लेना है। क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है। व्यू वॉल पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके वॉल की गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको उस फोटो को या वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है जिस पर भी आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हम एक वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका वॉलपेपर कुछ इस तरह से स्क्रीन पर आ जाएगा। अब आपको इस वॉलपेपर को फुल स्क्रीन में लगा लेना है। आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है मूव एंड ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको वॉलपेपर को जूम कर लेना है। इस तरह से वॉलपेपर को आपको फुल स्क्रीन में जूम करना है। अब आपको स्क्रीन पर टच कर देना है इस तरह से। वॉलपेपर की लेंथ को आपको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। तो चलिए हम थोड़ा सा लेंथ को बड़ा कर देते हैं। अब आपको स्क्रीन पर टच करना है। फर्स्ट पोजिशन पर आ जाना है। वॉलपेपर की लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों, आपको प्लस वाला ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको लेयर को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है इस तरह से। फिर से प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको वॉलपेपर को राइट साइड में स्क्रॉल करना है इस तरह से। इस तरह से आपको राइट साइड में स्क्रॉल करना है वॉलपेपर को। अब आपको वॉलपेपर की लेयर को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है इस तरह से। प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको वॉलपेपर की लेयर को लेफ्ट साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करना है इस तरह से। अब आपको स्क्रीन पर टच कर देना है इस तरह से। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा वॉलपेपर कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा। इस तरह से आपको वॉलपेपर को सेट करना है। अब दोस्तों, आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इसमें रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है इस तरह से। आपको रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको ऊपर थ्री डॉट वाला ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको फुल स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका रेक्टेंगल फुल स्क्रीन में सेट हो जाएगा। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है कलर एंड फिल वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको इस लाइन को इस तरह सेट करना है। इस तरह से आपको अच्छे से लाइन को सेट कर लेना है। बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इस वाले कलर को सिलेक्ट करना है इस तरह से। सिलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है सेकेंड नंबर में, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इसको नीचे साइड में स्क्रॉल करना है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं हमारा वाइट बैकग्राउंड है कुछ इस तरह से लग जाएगा। इसको हम और अच्छे सेट कर लेंगे इस तरह से। आप अच्छे से वाइट बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं। अब आपको स्क्रीन पर टच कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा वाइट बैकग्राउंड है जो वॉलपेपर पर लग चुका है। अब दोस्तों, हम इसमें शायरी लिखेंगे। शायरी लिखने के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको टेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों, मैंने शायरी को पहले से ही कॉपी कर रखा है, तो यहाँ से हम शायरी को पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने शायरी को पेस्ट कर दिया है। अब आपको ऊपर मिल रहा कलर वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसमें ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है रोबो टू रेगुलर, इस पर आपको क्लिक करना है।
आपको यहाँ से इसमें फॉन्ट को सिलेक्ट करना है, जो भी फॉन्ट आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आपको इस फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लिया है। हम शायरी को नीचे साइड में अच्छे से लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने शायरी को इस तरह से नीचे साइड में अच्छे सेट कर दिया है। अब आपको ऊपर एक ऑप्शन रहा राइट वाला, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं हमारी शायरी स्क्रीन पर लग चुकी है। अब दोस्तों आपको स्क्रीन पर टच कर देना है इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इस समय एक PNG लाइन को सिलेक्ट करना है। आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको व्यू ऑल पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको एक PNG लाइन को सिलेक्ट करना है। आपको इस PNG लाइन की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके इस PNG लाइन को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से आपको PNG लाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारी PNG लाइन स्क्रीन पर इस तरह से आ जाएगी। अब इसको आपको अच्छे से स्क्रीन पर सेट कर देना है। आपको अपने हिसाब से स्क्रीन पर इसको अच्छे सेट करना है। तो दोस्तों हम इस तरह से PNG लाइन को सेट कर देंगे। अब आपको इस PNG लाइन की डुप्लीकेट एक और लाइन बना लेनी है। तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस लेयर की डुप्लीकेट लेयर बन जाएगी। अब आपको PNG लाइन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे साइड में इसको इस तरह से लगा देना है। यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है मूव एंड ट्रांसफॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस लाइन को हम 180 डिग्री घुमा देंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं हमारी शायरी कुछ इस तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब दोस्तों हम इसमें साउंड लगाएंगे। साउंड लगाने के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको बी वॉल पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से दोस्तों आपको साउंड वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों हम इस वीडियो के साउंड को लगाएंगे, तो इस वीडियो को हम सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। आपको इस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से आपको वीडियो को सिलेक्ट करना है। क्लिक होने के बाद आपको इस वीडियो के साउंड को लगा देना है। आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है 3 डॉट वाले, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद एस्ट्रिक आइडो पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस वीडियो का साउंड निकल कर आ जाएगा। आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में साउंड लग चुका है। अब इस वीडियो को आपको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपको वीडियो पर क्लिक करना है। आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है डिलीट वाला, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये वीडियो डिलीट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितने अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब दोस्तों आपको सभी लेयर को साउंड क्लियर के बराबर कर देना है। तो आपको लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने का एंड में जाना है इस तरह से, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी लेयर ऑटोमेटिक साउंड क्लियर के बराबर हो जाएगी। इस तरह से दोस्तों आपको सभी लेयर को साउंड क्लियर के बराबर कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितने अमेजिंग तरह से यहाँ पर सेट हो चुकी है। अब दोस्तों आपको इसमें पार्टिकल इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिला है प्लस वाला, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको बी वॉल पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से दोस्तों आपको अपनी गैलरी में से एक पार्टिकल इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। आपको इस इफेक्ट वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके इस पार्टिकल इफेक्ट वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों आपको इस तरह से पार्टिकल इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको लाइटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से दोस्तों आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं हमारी पार्टिकल इफेक्ट वीडियो लग चुकी है। अब आपको स्क्रीन पर टच कर देना है इस तरह से। तो दोस्तों आपको पार्टिकल इफेक्ट की एक्स्ट्रा लेयर को पीछे से कट कर देना है। कट करने के लिए आपको लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी पार्टिकल इफेक्ट वीडियो पीछे से कट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितने अमेजिंग तरह से यहाँ पर सेट हो चुकी है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी वीडियो पूरी तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब हम इस वीडियो को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है सेव वाला, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों हमारी वीडियो डाउनलोड होने लगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से इंस्टाग्राम रील्स के लिए सारी स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।